नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र की अग्रणी शिक्षण संस्था ज्ञान स्थिति पब्लिक स्कूल में अभिभावक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के जागरूक अभिभावकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कीर्ति भूषण शर्मा, ब्रज भूषण अग्रवाल, वासुदेव शर्मा, विद्यालय निदेशक बीपी सिंह, प्रबंधक उर्मिला सिंह और प्रधानाचार्य दीपक कुमार धीमान ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। आफ्ताब मेवाती, सोनू धीमान, मधु कौशिक, सुरेंद्र चंद्र तितोरिया, योगेश शिवम राजवंशी, मनोज भद्रकाशी, धर्मो चौधरी, सतीश कंगपुरी, पुष्पराज पवार आदि ने जागरूक एवं शिक्षा को समर्पित अभिभावकों को विद्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कस्बे के बाईपास स्थित ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह में अभिभावकों के विद्यालय पहुंचने पर सर्वप्रथम शगुन नामदेव, दृष्टि, तनस्वी व पलक ने तिलक लगाकर सभी गणमान्य व अभिभावकों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन शिफा व अंशिका ने किया, जहां पर बच्चों ने स्वागत गीत पर सुंदर नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान शिक्षण कार्य में सराहनीय योगदान देने वाले लगभग 160 अभिभावकों को सम्मानित कर ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल ने उनका अभिनंदन किया। आज का जो कार्यक्रम विद्यालय में कंडक्ट हुआ है, ये फेलिसिटेशन सेरेमनी का कार्यक्रम था। महिला दिवस का भी एक पावन अवसर आज है और आज विद्यालय ने उन सभी अभिभावकों को पुरस्कृत किया है, प्रोत्साहित किया है, जिन्होंने सत्र 2019-20 में अपने बच्चों के लिए जो भी पेरेंटिंग का जो जिस्ट होता है, जो पेरेंटिंग के टिप्स होते हैं, उन सबको उन्होंने उन पर खड़े उतरे हैं। और एक सर्टेन क्राइटेरिया रहा है, जिस स्पेसिफिक क्राइटेरिया के तहत पेरेंट्स का चयन किया गया और उस चयन के बाद उन चयनित अभिभावकों को आज विद्यालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा उन विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया है जो सत्र 2019-20 में 100% अटेंडेंस अवार्ड कैटेगरी में शामिल रहे हैं, जो 100% विद्यालय में एक भी दिन जिन्होंने छुट्टी नहीं की है। और वैल्यूड मेंबर ऑफ ज्ञानस्थली फैमिली एक अवार्ड हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिसका वितरण आज किया गया है। इसके अलावा जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए चयनित हुए हैं, हमारे विद्यालय में एक सिस्टम है कि जो बच्चे 95% मार्क्स लाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, उनको विद्यालय फेलिसिटेट करता है, स्कॉलरशिप देता है। 60,000 रुपये की स्कॉलरशिप उन बच्चों को दी जाती है जो 95% मार्क्स लाते हैं, और 90-95% के बीच जो बच्चे अंक लाते हैं उनको 40,000 स्कॉलरशिप होती है, और जो बच्चे 85-90% के बीच लाते हैं उनको 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है। तो वो स्कॉलरशिप का भी वितरण आज किया गया है। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया और बहुत अच्छा सभी लोगों का सहयोग रहा, और सभी पेरेंट्स को एक बार फिर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मुजफ्फरनगर की भूमा नहर पटरी पर दर्जन बाइक सवार युवकों ने दिन दहाड़े दर्जनों राउंड फायरिंग कर क्षेत्र में दहशत फैला दी। सूचना पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने जंगल में कॉम्बिंग की। पुलिस ने जहां से दो युवकों को हिरासत में ले लिया। भूमा गांव के युवक भर्ती की तैयारी करने के लिए गंग नहर पटरी पर तोड़ लगाते हैं। युवकों के अनुसार रविवार की शाम करीब दर्जनों बाइक सवार युवक हाथों में लाठी डंडे व मस्कट तमंचे लेकर गाली गलौज करने लगे, तथा बाद में उक्त युवकों ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। फायरिंग की आवाज सुनकर उक्त युवक व आसपास के ग्रामीण भयभीत हो गए तथा इसकी सूचना पुलिस को दी। फायरिंग की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी बाइक व कारों में सवार होकर घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन आरोपित युवक पुलिस के आने से पहले ही तुलेड़ी गांव की ओर भाग निकले। पुलिस ने युवकों का पीछा किया। ग्रामीणों के अनुसार पुलिस ने नगला खेपड़ गांव में दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। ऋषभ पुत्र गुड्डू व ऋतिक पुत्र राकेश थाना मुबारकपुर जिला मेरठ को इस दौरान पकड़ा गया है, जिनके पास से 2 तमंचे, 8 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर बस स्टैंड भूमा रोड के समीप एयांश मेडिकल स्टोर का खतौली विधायक विक्रम सैनी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सस्ते दामों पर लोगों को दवा उपलब्ध कराएं, ताकि गरीब से गरीब लोग पूर्ण रूप से रोग का इलाज करा सके और उनको दवा दुकान से लाभ मिले। गरीब की सेवा करना ही इंसान का धर्म है। इस मौके पर स्टोर संचालक ऋतुराज ने सभी का धन्यवाद किया।
मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर क्षेत्र के बस स्टैंड पर अचानक एक बिजली का खंभा धराशायी हो गया, जिसमें दर्जनों युवक बाल बाल बचे, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों व टोल फ्री नंबर पर दी। सूचना देने के बाद भी बिजली विभाग के कोई भी कर्मचारी आधे घंटे तक मौके पर नहीं पहुंचा। इस दौरान करंट दौड़ते हुए बिजली के तार सड़क पर पड़े रहे। इसके बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बिजली के तारों को टूटे खंभे और दूसरे खंभों के सहारे ऊपर किया। इस दुर्घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय निवासी अनीश ने बताया कि सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे अचानक बिजली का खंभा पीछे से मुड़कर नीचे गिर गया। यह खंभा 30 साल पुराना था, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकता था। इसकी सूचना कई बार विद्युत विभाग से की गई, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। मुजफ्फरनगर में देर रात गन्ना डालने जा रहे भैंसा बग्गी व छोटे हाथी की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव कैथोड़ा के पास तेज गति से आ रहे छोटे हाथी ने भैंसा बग्गी को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें छोटा हाथी सवार 2 युवक मोहम्मद अली व इंतकाब घायल हो गए। मौके पर पहुंची मीरापुर पुलिस ने दोनों घायलों को CHC जानसठ भर्ती कराया। मामला मीरापुर के गांव कैथोड़ा का है, जहां पर देर रात मोहम्मद अली व इंतकाब अपने छोटे हाथी से गाजियाबाद सामान उतारकर अपने घर अमरोहा जा रहे थे। जैसे ही वह कैथोड़ा गांव के निकट पहुंचे तो उनकी टक्कर मील में गन्ना डालने जा एक भैंसा बग्गे से हो गई, जिसमें छोटा हाथी सवार दोनों घायल हो गए। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।